नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज इन विच वी आर डिस्कसिंग सम वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात कर रहे हैं ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो दोस्त, मैं सबसे पहले आपको बहुत जल्दी से रिकैप करवा देता हूं कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। दोस्तों, हम अभी तक पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ डिमांड, हमने डिमांड कर्व डिस्कस किया हुआ है, हमने यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी डिस्कस की है, हमने बजट लाइन डिस्कस की है। मगर इस लेक्चर के रिस्पेक्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है रिवाइज करवाना दोस्त, वो है लॉ ऑफ डिमांड। देखो दोस्त, हमने जब लॉ ऑफ डिमांड को ड्रॉ किया था, आपको याद होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने कुछ ऐसी चीज बनाई थी। क्यों? क्योंकि हमने देखा था जब हमने वाई एक्सिस पे प्राइस लिया था और एक्स एक्सिस पे डिमांड ली थी, तो क्या देखा था कि जब हम प्राइस बढ़ाते हैं तो डिमांड क्या हो जाती दोस्त? कम। वहीं जब हम प्राइस को कम करते हैं तो डिमांड क्या हो जाती दोस्त? बढ़ जाती है। तो हमने एक रिलेशन डिराइव किया था कि अच्छा, प्राइस का जो डिमांड के साथ रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जब भी पी बढ़ेगा डी कम हो जाएगा, जब भी पी कम होगा डी बढ़ जाएगा। तो जब हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा, हमने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखा, तो हमको क्या समझ में आया कि ये एक डाउनवर्ड स्लोप डेवलप करता है। क्या करता है? डाउनवर्ड स्लोप। डाउनवर्ड स्लोप के साथ में ये कहां से कैसे मूव करता है? लेफ्ट से राइट, दिख रहा है ना आपको, लेफ्ट से राइट मूव करता हुआ और नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो इस कारण से डाउनवर्ड स्लोप रहता है और लेफ्ट टू राइट मूव करता है डिमांड कर्व। ये हमने पढ़ लिया है। अब दोस्तों, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में बेसिकली हमारा एम है इस इमेज से लेकर इस इमेज तक जाना। देखो, ये बच्चा रो रहा है क्योंकि ये कोई भी चीज ऑब्जर्व नहीं करना चाहता है, लॉज ऑफ सप्लाई और डिमांड नहीं समझना चाहता है क्योंकि उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, और ये देखो कितना कॉन्फिडेंट है। तो मैं चाहता हूं इस लेक्चर को खत्म करने के बाद आप इस पोजिशन में आ जाओ, आप एग्जैक्टली समझ जाओ कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। मगर दोस्त, मार्केट इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए, क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम क्या होगा मार्केट का, जब भी जो डिमांड है या एग्रीगेट डिमांड है वो सप्लाई या एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए, तभी तो इक्विलिब्रियम होता है ना किसी भी चीज में। तो मैंने आपको ये वाला पार्ट तो समझा दिया, डिमांड वाला आप अच्छे से समझ गए कि हाँ डिमांड तो बहुत आसान बात होती है, पी और डी में रिलेशन होता है, एक स्लोप होता है, डाउनवर्ड जाता है। मगर हमको सप्लाई भी समझना पड़ेगा अगर हमको मार्केट इक्विलिब्रियम समझना है। तो इस लेक्चर में हम सप्लाई कर्व के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हम लीड करेंगे और समझ लेंगे आखिरी में बहुत आसानी से कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, एग्जाम्पल वही बहुत आसान से रहेंगे, ये एग्जाम्पल सिर्फ आपकी सिंप्लिसिटी के लिए डेवलप किए गए हैं, इसको अदर वे में मत लीजिएगा। देखो दोस्त, वाई एक्सिस पे क्या है? बुद्धि अकेडमी की टेस्ट सीरीज के प्राइसेस। वहीं एक्स एक्सिस पे क्या है? टेस्ट सीरीज कितनी बेची गई, टेस्ट सीरीज सोल्ड। दोस्तों देखो, मैं आपको पहले रिलेशन बताता हूं उसके बाद समझाऊंगा, और इसको एक नए पेज पे ले लेते हैं। देखो कैसा चलता है कि जब भी प्राइस बढ़ेगा, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, जब भी प्राइस बढ़ेगा तो जो क्वांटिटी सप्लाई है ना वो बढ़ जाएगा, वहीं जब भी प्राइस कम होगा क्वांटिटी सप्लाई जो है वो भी कम हो जाएगा। अब ये तो आपको जस्ट उल्टा दिखा, क्यों? क्योंकि वह भी वापस बताता हूं, अभी तो पढ़ा ना दोस्त, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, जब भी प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती थी, और जब भी प्राइस कम होती थी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती थी? बढ़ जाती थी। मगर देखो यहां तो उल्टा हो रहा है, अब ऐसा क्यों? आपको यह पूछना पड़ेगा। इसका जवाब यह है कि देखो, मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस माइंडेड हूं, मेरा दिमाग हमेशा क्या सोचेगा कि मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाऊं। तो देखो, जैसे ही मेरे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, जैसे ही बुद्धि अकेडमी की टेस्ट सीरीज की प्राइस बढ़ी, तो मैं क्या चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज बिक जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सेल हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो देखो एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लो इस पॉइंट पे बुद्धि अकेडमी की टेस्ट सीरीज की जो प्राइस थी वो 100 रुपीज थी, ठीक है। यहां पे जो बिकी टेस्ट सीरीज सोल्ड जितनी हुई वो भी 100 हुई। फिर मान लो टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है वो 150 हो गई। उसके बाद में मान लो वापस जो टेस्ट सीरीज सोल्ड हुई वो 200 हो गई। फिर देखो, जब आपकी मध्य अकेडमी की टेस्ट सीरीज की प्राइस जो है वो 200 हो गई, तो टेस्ट सीरीज सोल्ड कितनी हो गई? 300। मतलब हमको क्या समझ में आया कि जैसे जैसे यहां पे प्राइस जो है वो बढ़ रही है,
वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई जो है वो भी बढ़ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है दोस्त? क्योंकि देखो, वापस से एक चीज समझो कि डिमांड जो थी वो किसकी साइड से आप देख रहे थे? वो देख रहे थे आप कंज्यूमर की साइड से, कि कंज्यूमर कितनी ज्यादा चीजें खरीदेगा अगर प्राइस वेरी होता है तो। मगर यहां पे हम देख रहे हैं सप्लाई। सप्लाई किसकी साइड से देख रहे हो आप? सप्लाई देख रहे हो प्रोड्यूसर की साइड से। और प्रोड्यूसर क्या चाहता है? अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो ये मैक्सिमाइज कब कर पाएगा? जब उसकी ज्यादा से ज्यादा चीजें बिकेंगी। तो इसी कारण से जब भी प्राइस बढ़ रही है, आपको क्वांटिटी सप्लाई जो है वो निरंतर बढ़ती हुई दिख रही है। अब दोस्तों ध्यान दो, 100 रुपए प्राइस थी, 100 सप्लाई हो गई, तो यहां पे एक पॉइंट आ गया। फिर वैसे ही 150 200 पे यहां पॉइंट आ गया, 200 300 पे यहां पॉइंट आ गया। जब मैंने इसको ड्रॉ करा तो मुझे देखो कैसे एक पूरा अपवर्ड स्लोप मिला। इसी कारण से जो सप्लाई कर्व होता है ना, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ये अपवर्ड स्लोप होता है, सबसे पहली बात। डिमांड वाला क्या था? डाउनवर्ड। उसी के बाद ये भी लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है, ठीक है। डिमांड में क्या हो रहा था? उल्टा। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो रही थी, यहां पे उल्टा होता है। प्राइस बढ़ती है तो इसके साथ साथ क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ता है। इसी कारण से देखो इसको एक बिल्कुल लीनियर ग्राफ दिख रहा है आपको। तो ये होता है सप्लाई कर्व। अब दोस्तों सप्लाई कर्व में कुछ होते हैं डिटर्मिनेंट्स, हमको वो भी पढ़ना पड़ेंगे। जैसे एक होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कुछ फैक्टर्स आते हैं, जैसे मान लो आपकी जो लेबर है उसके वेजेस बढ़ा दिए आपने, जो आपकी रॉ मटेरियल था उसके प्राइसेस बढ़ गए। अब मुझे ध्यान से बताओ कि जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से तो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी, ठीक है, मतलब कि जैसे ही आपके फैक्टर्स जो हैं उसके आपके पैसे ज्यादा खर्च होने लग गए, तो अब आप ज्यादा प्रोडक्ट बना पाओगे या कम? अब आप कम प्रोडक्ट बना पाओगे। और जब प्रोडक्ट ही कम बना पाओगे तो उसको सप्लाई ज्यादा कर पाओगे क्या? नहीं। तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। तो ये होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ, कि अगर बड़ा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर बात करते हैं टैक्सेस पे। टैक्सेस भी सेम है, टैक्सेस अगर बढ़े, ठीक है, मान लेते हैं टैक्सेस बढ़े, तो मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। और अब ये तो हम जानते ही हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाती है दोस्त? क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाती है। वही बात करते हैं अब चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब अगर टेक्नोलॉजी जो है वो अगर अपग्रेड हो रही है, तो मुझे बताओ कि क्वांटिटी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? वो भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट और जल्दी बना पाएगा प्रोड्यूसर और ज्यादा बेच पाएगा। तो इस तरीके से ये इतने डिटरमिनेंट्स होते हैं सप्लाई कर्व में। तो देखो दोस्त जल्दी से रिवाइज करते हैं। क्या पढ़ा था? पहले लॉ ऑफ डिमांड रिवाइज किया, डाउनवर्ड स्लोप देखा, पी और डी में प्राइस और डिमांड में देखा हमने कैसे इनवर्स रिलेशनशिप होती है, मार्केट इक्विलिब्रियम समझना था, फिर हमको देखना था मार्केट इक्विलिब्रियम जब भी आएगा जब एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई के। फिर हमने देखा कि डिमांड जो है कंज्यूमर की, सप्लाई जो है प्रोड्यूसर की साइड से देखी जाती है। फिर पी और क्यू मतलब कि प्राइस से क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में हमने रिलेशन देखा, हमने ग्राफ बना के देखा, और सप्लाई कर्व जो है वो एक लीनियर ग्राफ हमको चलता हुआ दिखा। फिर हमने इसके कुछ डिटरमिनेंट्स देख लिए और इस तरीके से हमने पूरा सप्लाई कर्व खत्म किया। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात कर सकते हैं हम, क्योंकि अब हम डिमांड भी समझ गए हैं कि कैसे आती है और हम मार्केट में सप्लाई जो होती है वो भी समझ गए। अब समझ में आ जाएगा हमको मार्केट इक्विलिब्रियम। दोस्तों मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टाइम, एक ऐसी जगह होगी जहां पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए, ठीक है, यही हम पढ़ रहे हैं। और वो पॉइंट ये है। वो पॉइंट ये क्यों है? क्योंकि देखो ये वाला जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है आपको? डिमांड। इसी कारण से देखो यहां पे डी लिखा हुआ है, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोप हमने पढ़ा था ना, ये देखो डाउन हो रहा है। फिर एक हमने पढ़ा था अपवर्ड स्लोप, ये कौन सा था? ये सप्लाई कर्व था, ठीक बोल रहा हूं, इसलिए देखो यहां पे एस लिखा हुआ है। अब क्या होगा दोस्त कि एक किसी भी प्राइस पे, बुद्धि अकेडमी की टेस्ट सीरीज एक किसी भी प्राइस पे बराबर हो जाएगी जहां पे उसकी डिमांड और सप्लाई जो है वो एक जैसी रहे। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर 100 टेस्ट सीरीज बन रही है तो डिमांड जो है वो भी 100 टेस्ट सीरीज की है। मान लो अगर 200 टेस्ट सीरीज बन रही है तो डिमांड जो है वो भी 200 टेस्ट सीरीज की, मतलब ना कुछ ज्यादा बन रहा है और ना कुछ कम बन रहा है। मगर हम जानते हैं मार्केट ऐसे तो काम करता नहीं है, मार्केट अलग ढंग से काम करता है। तो देखो मार्केट कैसे काम करता है वो देखते हैं। प्राइस मान लो यहां पे ले लेते हैं हम पहले 100 थी, ठीक है, एक एक पॉइंट चीजें बताऊंगा। मान लो प्राइस बढ़ के हो गई दोस्त 200 रुपए।
अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसानी से सिर्फ प्लॉट करना है डिमांड और सप्लाई पे। देखो सिर्फ आगे एक्सटेंड करो, आगे बढ़ाया तो यहां पे जाके रुका, ये क्या है डिमांड। ध्यान से देखो, जब 100 रुपए वैल्यू थी इसको भी आगे बढ़ाओ, ठीक है, ये यहां पे रुक रहा है, फिर इसको नीचे करो। ध्यान से देखो, जब 100 रुपए टेस्ट सीरीज की वैल्यू थी तो डिमांड कितनी थी, लेट इट बी 100, मगर जैसे ही जो प्राइस है वो बढ़ी तो ये तो डिमांड है, डिमांड को नीचे करो। तो देखो जल्दी से बताओ, डिमांड कम हुई या ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई क्योंकि लेफ्ट आ गए ना हम, मान लो कुछ भी हो गई 80, क्योंकि इधर बढ़ते तो डिमांड बढ़ जाती, लेफ्ट आए मतलब डिमांड कम हो गई। तो हमको क्या समझ में आया, जब प्राइस बढ़े तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। इसी चीज को वापस आगे बढ़ाओ, यहां आ गए सप्लाई पे, ये है ना सप्लाई वाला कर्व है ये, या लाइन है, तो सप्लाई वाले से यहां पे आ गए, अब इसको नीचे करो। तो नीचे जब इसको आप यहां पे मिलाओगे तो क्या समझ में आया, देखो जब 200 प्राइस थी, जब मतलब प्राइस बढ़ी, तो देखो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो क्या हो गई, कम हो गई कि ज्यादा, वो ज्यादा हो गई। कैसे, क्योंकि अगेन जब 100 रुपी प्राइस थी तो सप्लाई तो 100 ही थी ना दोस्त, क्योंकि यहां पे हमने इक्विलिब्रियम माना है, मतलब कि डिमांड जितनी थी उतनी सप्लाई थी। हमने पढ़ा था ना कि 100 टेस्ट सीरीज की डिमांड थी और 100 टेस्ट सीरीज सप्लाई हो रही थी, मगर जैसे ही प्राइस बढ़ी तो देखो सप्लाई जो है वो 100 से ज्यादा हो गई, लेट इट बी 120। तो अब आपको समझ में आया कि ये कैसे काम करता है, एक बार वापस समझा देता हूं। देखो पहले हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में 100 रुपए की टेस्ट सीरीज थी, मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन बता रहा हूं दोस्त आपको, ये 100 रुपए की टेस्ट सीरीज थी तो डिमांड भी 100 की ही थी, ठीक है, ये समझ में आ गया, और सप्लाई भी 100 की थी। मतलब हमको क्या समझ में आया, इस पॉइंट पे जितनी सप्लाई थी 100 टेस्ट सीरीज सप्लाई हो रही थी और 100 ही टेस्ट सीरीज की डिमांड थी, मतलब दोनों बराबर, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा, मान लो प्राइस बढ़ गए, अब टेस्ट सीरीज की प्राइस हो गई 200 रुपए, अब कुछ भी नहीं करना है, अब आपको एक बार जाके रुकना है डिमांड पे और इसको नीचे डालना है, ठीक है, उसी के आगे आपको अगेन आगे लेके चलना है सप्लाई पे और इसको यहां से नीचे डालना है। अब देखो जब प्राइस बढ़ी तो डिमांड क्या हो गई दोस्त, ये आपका डिमांड है, क्योंकि ये वाला डिमांड वाली लाइन से हम लेके आ रहे हैं, देखो ये वाली डिमांड वाली लाइन है ना, तो ये डिमांड वाला पॉइंट है। तो जब हम इससे नीचे आ रहे हैं तो डिमांड क्या हो गई, कम, क्योंकि 100 से हम इधर शिफ्ट हो गए। वहीं जब इससे हमने नीचे डाली, ये क्या है, ये सप्लाई वाला पॉइंट है, सप्लाई क्या होगी, देखो यहां पे सप्लाई बढ़ गई, लेट इट बी 120। तो इससे हमको क्या समझ में आया, जो हमने रिलेशन देखा था डिमांड में क्या होता है, प्राइस बढ़ती तो डिमांड क्या हो जाती है, कम, वहीं प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाती है, वो भी बढ़ जाती है, ये हमने देख लिया। इसी के विपरीत अब आप प्राइस कम करके खुद अपनी नोटबुक में ड्रॉ करके देख लो, इतना आसान होता है मार्केट इक्विलिब्रियम। तो दोस्त अब अगर आप समझ गए तो आप ये वाला ग्राफ भी समझ जाओगे। देखो अगेन ये वाला पॉइंट कौन सा था हमारा, ये वाला पॉइंट था इक्विलिब्रियम प्राइस का, कौन सा प्राइस, जहां पे 100 टेस्ट सीरीज सप्लाई हो रही थी और 100 टेस्ट सीरीज की डिमांड थी, ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा, जब इस पॉइंट के ये नीचे है, ठीक है, तो यहां पे रहती है एक्सेस डिमांड, मतलब डिमांड ज्यादा रहती है या फिर चीज की शॉर्टेज हो जाती है। वहीं जब इस पॉइंट के चीज ऊपर जाती है तो ध्यान से देखो, सप्लाई ज्यादा हो रही थी और चीजें सरप्लस में थी। देखो वापस से एग्जांपल लेते हैं, यहां पे 100 था, यहां पे 200 हो गई थी प्राइस, प्राइस 200 होने पे जो डिमांड है वो क्या हो गई थी, वो कम हो गई थी, 80 हो गई थी ना, और वहीं अगर सप्लाई देखें तो सप्लाई कितनी हो गई थी हमारी, वो हो गई थी 120 और 100 यहां पे था। तो मुझे बताओ सप्लाई ज्यादा है या डिमांड, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई कितनी है 120, डिमांड कितनी की थी 80, एक्सेस कितना बचा 40। तो ये वाला जो एरिया है, ध्यान से देखो वापस बताता हूं, ये वाला जो एरिया है ये होता है एक्सेस सप्लाई का, और जब आप नीचे ड्रॉ करके देखोगे तो आपको यहां पे दिखेगी शॉर्टेज। तो इस तरीके से दोस्तों अब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ग्राफ देख के ही समझ सकते हो इस लेक्चर को खत्म करने के बाद कि आपके प्रोडक्ट की शॉर्टेज चल रही है या आपका एक्सेस सप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों आई होप आपने इस लेक्चर में बहुत सारी चीजें समझी होंगी, अब आपको मार्केट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। सो आई होप कि अब आप जो नीचे वाला पार्ट है प्राइस कम करके देखने वाला, वो आप अपने नोटबुक में जॉट डाउन कर लोगे। सो इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग।